सभी दर्शकों का स्वागत है। गोंदिया जिले के महत्वपूर्ण प्रतापगढ़ धार्मिक स्थल का महत्व वैसे तो बहुत बड़ा है। इस धार्मिक स्थल पर शिवरात्रि के मेले के दौरान बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा होती है, जिसके चलते प्रति वर्ष 5 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। 20 से 25 फीट की बाबा भोलेनाथ की मूर्ति इस जगह 2003 में बिठाई गई थी, जो कि 25 जुलाई की रात को अपने आप जल गई। ऐसा कई अनुमान व्हाट्सएप फेसबुक पर देखने को मिला। इसी के चलते हमारी टीम पहुंची इस जगह और जानने का प्रयास किया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गोंदिया भंडारा लोकसभा के जो सांसद है मंडे जी, वो भी यहाँ मौजूद है, और ज़िले की जो कलेक्टर साहिबा है वो भी यहाँ मौजूद है, और ज़िले के एसपी और पुलिस प्रशासन और गांव के सारे लोग अभी मौजूद हैं। वो देख रहे हैं कि मूर्ति को जो नुकसान हुआ है वो किस वजह से नुकसान हुआ है। लगभग जो मूर्ति है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की न बनते हुए फाइबर की बनाई हुई है, ऐसा पहले देखने में तो हमें अब दिखा है। लगभग यह जो पहाड़ है वह राजा बाबू कोई यहाँ के ज़मींदार हुआ करते थे, उनका यह पहाड़ है, और एक जिन्होंने यह मूर्ति स्थापित की थी जो नाना पटोले, वो लगभग अभी पूर्व सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, अभी फ़िलहाल वो कांग्रेस में है। तो उनके ऊपर भी एक मुर्गा अर्जुनी के कोर्ट में मामला चल रहा था कि उन्होंने उनकी इस पहाड़ी के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, ऐसा उनका उस समय के दौरान का एक स्टेटमेंट आया हुआ था। लगभग यह जो मामला है यह धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ का तो मामला लग नहीं रहा है, लेकिन किस वजह से मूर्ति जली है और मूर्ति को जलने के कारण क्या है, उन वजहों की जांच की जा रही है। लगभग अभी यहाँ सारी टीम पहुँच चुकी है, जो कि मूर्ति को किन वजह से जली है और क्या उसकी वजह हो सकती है यह जानने का वो लोग टीम भी प्रयास कर रही है, और साथ में हमारा चैनल भी मूर्ति किस वजह से जली है यह जानने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस वक्त मौजूद है गोंदिया भंडारा लोकसभा के जो कि सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के सुनील मेंढे जी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको यह पूरा जो प्रतापगढ़ की यात्रा है, जहां हर वर्ष शिवरात्रि में लगभग 5 लाख भाविक गण जो है वो यहां दर्शन के लिए आते हैं, लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई इलाकों से इस जगह आते हैं, तो हम उनको उनसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि उनको यह घटना का कब अंदाजा पता चला है। कल ही मुझे दिल्ली में ही, अभी अधिवेशन चल रहा है, मैं दिल्ली में ही था, करीब करीब 1 से 1.5 के बीच में मुझे यहाँ से फोन आया, ऐसी ऐसी घटना प्रतापगढ़ में हुई है और आपको कुछ करना होगा। उसके बाद मैंने तुरंत अपने यहाँ के लोगों को फ़ोन किया और उन्होंने शायद कलेक्टर मैडम से, यहाँ के स्थानीय तहसीलदारों से संपर्क किया, और उस समय शायद तक प्रशासन को मालूम हो चुका था, वो लोग भी अपने काम पे लग चुके थे, और उन्होंने जो भी यहाँ के आकर कल शाम को शायद अपने बड़ोले साहब जो आमदार हैं यहाँ के स्थानीय, वहाँ भी और शासन के भी कुछ लोग, इसके कुछ तहसीलदार वगैरह आके गए, और उन्होंने पूरा इसका मुआयना किया, और इसलिए मेरी इच्छा थी मैं भी खुद आके प्रत्यक्ष रूप से इसको देखूँ और क्या आगे क्या होगा, इसके बाद जो हुआ उसके लिए आप और हमको जिम्मेदार है उसके बाद पता लगेगा आपको, लेकिन वो जो टीम हो उसको इंक्वायरी करती रहेगी, मगर हम अपने भगवान को इस रूप में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, इसलिए कहीं उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि उसको कम से कम कपड़े से ढक दिया, और उसको हम लोग अभी अच्छे शास्त्रोक्त पद्धति से उसका विसर्जन करेंगे और जल्द से जल्द फिर से मूर्ति का पुनर्निर्माण करेंगे। हमारा सवाल था कि मूर्ति जो बनाई जाएगी यहाँ फिर से या जो स्थापित की जाएगी वो मूर्ति किस चीज़ की होगी, क्या इसी तरह की फाइबर वगैरह की होगी या किसी और अदर इसकी मेटल वगैरह की होगी। इसमें मैंने अभी आपको बोला बोलते बोलते कि इस समय अपन जो आगे आने वाले दिनों में फिर से वहाँ मूर्ति का इस तरह से कुछ ना हो, इसके अपन लोग कुछ उसके प्रिवेंटिव जो भी करना पड़ता है करेंगे, और बात रही माध्यम क्या यूज़ करेंगे मूर्ति बनाने के लिए, तो जो भी तज्ञ लोग उसके होते हैं आने वाले वो हमें गाइड करेंगे, उस तरह से हम लोग उसकी मूर्ति का अभी जैसा भी उसका अच्छा रूप होता है, जिसका अच्छा रूप भी हो और टिकाऊ भी हो और जल्द से जल्द इसको और कुछ तकलीफ देना हो, इस तरह से उसको बनाएंगे। मैं या कोई एक आदमी ने करते हुए सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे इसको किस किस धातु से बनाई जाए, जिससे आने वाले दिनों में वो काफ़ी सालों साल तक बनी रहे। धन्यवाद।
इस वक्त हम रोचक जानकारी हमें बताई कि मूर्ति का सारे लोगों से मिलकर चर्चा करने के बाद ही उसको बनाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी मूर्ति का यहाँ की जो स्थानीय ग्राम पंचायत है वो विसर्जन करने वाली है, ऐसा उन्होंने अपनी जानकारी में दिया है। और वो सारा जो प्रकरण है, इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जाँच की जाने वाली है। मैं निशांत भाई, कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।